प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमानों पर हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास अवैध रूप से गांजा लाते हुए चार तस्करों को दबोचा है। ये तस्कर लग्जरी कार में गांजा भरकर ला रहे थे, तो नाकाबंदी के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने कार की तलाशी ली, जिसमें 1 क्विंटल 72 किलो गांजा बरामद हुआ। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सभी तस्करों को चिकसाना थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी गांजा पश्चिम बंगाल से राजस्थान लेकर आ रहे थे, जिसकी सप्लाई जयपुर, दौसा, भरतपुर और बीकानेर में होनी थी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, जिस प्रकार से मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, उसी बीच में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, क्या पूरी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल जैसी, जो तस्करों के लिए सबसे इजी मार्ग जो है वो पश्चिम बंगाल से जो यूपी होते हुए फिर उसके बाद राजस्थान बॉर्डर में ये लोग क्रॉस करते हैं, ये एक बड़ा सुगम मार्ग है और इसका सबसे ज्यादा फायदा ये लोग है कोरोना के बीच में उठा रहे हैं। मगर इन्हें ये नहीं मालूम कि जो राजस्थान पुलिस की जो टीम है वो लगातार ऐसे मादक पदार्थ तस्करों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है, और इसी के चलते राजस्थान यूपी बॉर्डर के पास यहाँ पर सीआईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चार मादक पदार्थ तस्करों को यहाँ पर दबोचा है। क्योंकि ये जो लोग थे, जो तस्कर थे, 42 बैग थे जो लग्जरी कार के अंदर अपने भरकर लेकर आ रहे थे, जिसकी भनक था कि स्थानीय जो टोल प्लाजा है वहां पर नहीं लगी, ना ही स्थानीय पुलिस को लग पाई। मगर सीआईडी सीबी की टीम को यहाँ पर मुखबिर से सूचना मिली थी कि 1400 किलोमीटर दूर से पश्चिम बंगाल से ये लोग राजस्थान के अंदर ये जो खैप है, ये मादक पदार्थ की गांजे की खैप को लेकर, इसके बाद नाकाबंदी के दौरान जो सीआईडी सीबी की टीम है उन्होंने इस गाड़ी को रोका और बैग को चेक किया, तो उसके अंदर बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में जो गांजा है अवैध रूप से वो लाना पाया गया यहाँ पर। उसके बाद सीआईडी की टीम ने तमाम लोगों को यहाँ पर दबोच लिया, और उसके बाद जो चिकसाना थाना लगता है, स्थानीय थाना लगता है, वहां पर इन तमाम तस्करों को यहाँ पर सुपुर्द कर दिया है थाने के। जब पूछताछ हुई है तो पूछताछ में सामने आया है कि जो गांजे की जो खेप थी इसको बीकानेर, दौसा, भरतपुर और जयपुर में खपाया जाना था। चूंकि पैकेट जो छोटे छोटे जो पैकेट थे, 42 पैकेट थे, इन 42 पैकेटों को अलग अलग जिलों में पहुंचाया जाना था ताकि इसके बारे में किसी को भ्रंक ना लगे। मगर पुलिस यहां पर अलर्ट थी और अलर्ट होने के बाद सीआईडी सीबी की टीम ने तुरंत यहां पर कार्रवाई करते हुए तमाम तस्करों को दबोच लिया है। फिलहाल पुलिस है जो इनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल जैसी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया यादवेंद्र।